कोई और तो नहीं हो है मुखिया के पास कितना देते हैं कुसुम चार यूनिट हो सर कोटे को लेकर क्या समस्या थी? अब कार्ड धारकों को समस्या है कि खाद्यान्न कुछ कम मिल रहा है जी। उसका सबका बयान दर्ज हो गया है जी। अब इसके क्रम में SDM महोदय को उप जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट दिया जाएगा जी। अब जो उचित समझे उस पर निर्णय करेंगे। क्या सत्यता पाई गई है कि मतलब कितने यूनिट पीछे कितने दे रहे हैं के जी? हाँ सब पर कुछ कम दिए हैं। वही आपका चार किलो का दो किलो सामान्य रूप से 2 किलो कम दिए हैं। वजन करने में भी कुछ कम हुआ कम हो रहा है। मतलब जनता का कहना है मतलब कि किसी का 5 किलो कम हो रहा है किसी को 4 किलो कम हो रहा है किसी का 7 किलो भी कम हो रहा है। वो बयान में दर्ज है जो भी जो आप लोग बताए हैं सब बयान में दर्ज हो गया। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर यादव है। राशन कितना मिलता है यूनिट के हिसाब से मिलता है या कैसे मिलता है? देखिए हमारी गाँव की समस्या है ठीक है और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे गांव वाले हैं और सब लोग संतुष्ट हैं क्योंकि जनता जो है अभी तक जो भी न्याय हुआ है जनता के पक्ष में नहीं हुआ है जी। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी न्याय हो जनता के पक्ष में हो। यूनिट पीछे राशन मिलता है कैसे मिलता है? यूनिट पीछे राशन मिलता है लेकिन बट जैसे अगर 5 यूनिट है तो 25 किलो मिलता है जी। वो दे लेकिन उसमें 2 किलो काट को 23 किलो देते हैं बट उसमें भी 1 से 1.5 किलो कम हो जाता है। 25 किलो में भी 21 किलो हाँ हम बोल दें हो गया। अच्छा और मतलब कि आप चीनी भी मिलती है? हाँ चीनी भी मिलती है। नहीं चीनी वगैरह नहीं मिलती है। चलिए ठीक है बस ये चाहते हैं कि जैसे जो भी न्याय हो जनता जनता के पक्ष में हो। क्या शिकायत किए थे आप लोग शासन प्रशासन से? प्रशासन से आप लोग शिकायत की? प्रशासनिक शिकायत अभी हुई नहीं है ना? हो गई आज हो रही है आज हुई है इससे पहले नहीं हुई थी। तो क्या आपको आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन अभी जनता संतुष्ट नहीं है। आपको क्या नाम है ये चीज़? कितना मिलता है राशन? 7 यूनिट 7 यूनिट हाँ। कितना आकर के लिए ऐसा है कि 32 किलो देते हैं। 35 किलो मिलना चाहिए आपको? हाँ तो 32 किलो देते हैं। अच्छा वो भी अपने घर ले जाकर जोखने में वो भी कम हो जाता है। 300 किलो होता है? हाँ कम रहेगा तो हाँ कितना कम होता है? अरे हम कहीं जोखले ना है लेकिन कैसे जानते कम हो जाएगा? हाँ कम है मेरा जोखला ही। हाँ ठीक है कम भैया कितना? 30 किलो मिलता है? हाँ इसी कड़ी में आइए। 30 किलो मिलता नहीं है। 32 किलो देते हैं 7 यूनिट में वो भी घर जोखने पर जो है कि 30 किलो होता है। 1 किलो कम हो जाएगा 250 तीस किलो होता है आपको मिलता है 7 यूनिट। आपको क्या रोहित राय आपको क्या समस्या? आपको भी 3 यूनिट है 15 किलो में जोखने पे घर ले जाने पे 11 किलो होता है। 4 किलो मतलब कटौती की जाती है? 4 किलो कटौती है बोलते हैं ऊपर से भी कटौती है अपने भी काट लेते हैं। ऐसे कोटदार बोले हैं? हाँ
कि ऊपर से कटौती करके मिल रही है, तो उसके बाद ये भी कम कर रहे हैं। हाँ, क्या इसका शिकायत आप लोग किए थे? किए हैं, अभी आए हैं, लिखा पढ़ी हो रही है, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, संतुष्ट नहीं। तो अगर यहाँ से नहीं होगा तो फिर आप लोग क्या आगे और चलेंगे जहाँ तक भैया पूरा आवा था ना, हम उकड़ जाते। आपका क्या नाम है? अब हमारे 7 यूनिट है। हाँ, कितना हमके हमके 32 किलो मिला ला, जोखले पर 28 किलो होला। अच्छा, मतलब यहाँ से 32 किलो मिलता है, यहाँ से जाने के बाद फिर घर पर भी और कम हो जाता है, 28 किलो होता है, जबकि हमको 35 किलो चाहिए। 7 किलो मतलब आपको यूनिट से कम होता है। अच्छा, आइए आपका, आपको कितना मिलता है? 23 किलो देते हैं, इसमें जो है 21 किलो होता है। क्यों, उसका यूनिट कितना है? 5 यूनिट। तो 24 किलो क्या देते हैं? आप नहीं बोले कोटीदार से? बोले तो बोलते हैं, जाके सप्लाई इंस्पेक्टर से कह दो। अच्छा, यही जवाब देते हैं, जब भी कोई नया नहीं है, बार बार यही पड़का पाए हैं, यही करते हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर तो आए हैं, तो आप लोग आए हैं, लेकिन दुखी क्या आश्वासन देते हैं, अभी तो कह दें कि उनके कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं? एकदम हम नहीं संतुष्ट, जनता संतुष्ट। बोलो, हम तो बोल रहे जी, आपका आवाज बोल रहे हैं, अपने आवाज। आइए आइए, सामने आइए, जो कमी नहीं है आइए ना, आप अपने अपनी आवाज उठाइए, आप लोग आप बोलेंगे नहीं तो कैसे आपकी आवाज उठाइए। आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम? जीनकराम। आपको कितना गला मिलता है? वो मिलता है 35 किलो मिलता है, उसमें वजन करते हैं तो 28 किलो होता है। कितना यूनिट है आपका? यूनिट 5 थी, काट के 4 किए हैं। सर की, अच्छा, लाल वाला अंतोदय वाला है? लाल का, लाल का रुपये आपको 28 किलो मिलता है। हाँ, हमारा अंगूठा नहीं लगता तो राशन नहीं मिलता। कब से अंगूठा नहीं लग रहा है? महीना नहीं लगा, फिर भी अब कितना लगा ला? क्या आपके नाम से राशन कार्ड है या परिवार के भी? हमारे औरत के नाम से रहा है, वो मर गई। अच्छा, तो बच्चे हैं आपके पास? बच्चे हैं ना? एसटी का कार्ड है। बच्चे बच्चे हैं ना, लड़के हैं ना? लड़के तो हैं, बाकी सब यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर में रहते हैं। अच्छा, ये आपका लाल कार्ड है? ये लाल कार्ड है, लाल कार्ड है, खोल के दिखाइए। हाँ, 2 महीने से आपको राशन नहीं मिला है? 2 महीना उधर ना मिले, फिर 2 महीना मिला ला। ऐसे देख देखिए, लाल कार्ड है, जो कि लाल कार्ड धारक को इसमें एक किलो के भी कटौती नहीं की जाती, फिर भी इसके कोटेदार के द्वारा जो है कि 35 किलो के न देकर उसको 28 किलो ही राशन दिया जाता है, जो कि आइए आप आई। क्या नाम है आपका? गायत्री विश्वकर्मा। आपको कितना राशन मिलता है? 2 यूनिट है, 10 किलो मिलता है, 8 किलो होता है, 2 किलो ऐसे ही घट जाता है। जाते हैं। हाँ। आप कोटेदार से नहीं बोली क्या? आप 2 किलो कोटेदार से एक बार बोले कि वजन में कम होता है, तो कहते हैं कि बस आप ही का होता है और किसी का नहीं होता है। मतलब ये समस्या पूरे ग्राम सभा की है? पूरे ग्राम सभा की है। कब से ऐसे, कब से मतलब ये काम कर रहे हैं? काम तो बहुत दिन से, कम से कम 20 साल से। 20 साल से? 20 साल से, लेकिन जनता मजबूर थी इसलिए कि चलो जो हो रहा है। और हम आपके मीडिया से संदेश देना चाहते हैं कि अगर इसके यह न्याय नहीं हो पाया हमारी जनता के साथ, तो हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मतलब इंस्पेक्टर साहब से आप संतुष्ट नहीं है तो बिल्कुल किसी भी हद तक जा सकते हैं? 4 घंटे पहले फोन किया गया था, 4 घंटे पर फोन किया गया था, लेकिन वो आए नहीं, 4 घंटे लेट आए हैं। हम लोग 9 बजे से आए हैं, 9 बजे से। हम आदमी इतना परेशान है, नहीं जाता। उनसे पूछे आप, वो 4 घंटा लेट क्यों आए? कब यानी फर्स्ट फेल को फोन हुआ था इंस्पेक्टर साहब को, वो लेट आए, आने के लिए मना भी कर रहे थे।